श्री सीताराम भक्ति भूषण संत प्रवर गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज, श्री हनुमान जी महाराज के चार चरित्रों का वर्णन करते हुए श्री हनुमान चालीसा की फलश्रुति में यह पंक्ति प्रस्तुत करते हैं। श्री हनुमान चालीसा का जो पाठ करेगा, जो इस ग्रंथ को पढ़ेगा, भगवान शंकर की साक्षी से मैं कहता हूं कि उसे अवश्य सिद्धि की प्राप्ति होगी। जिस ग्रंथ की ऐसी महिमा, जो पढ़े, जो का अर्थ कोई भी, श्री हनुमान चालीसा के पाठ में ऐसा नियम नहीं है कि कौन पढ़ सकता है कौन नहीं पढ़ सकता। बहुत बार ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। एक मैया ने मुझसे पूछा कि महाराज, हम हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं क्या? माताओं को हनुमान चालीसा पढ़ने का अधिकार है। हमने कहा, माताजी हमसे क्या पूछ रही हो, श्री हनुमान चालीसा ने ही उत्तर दिया है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो पढ़े, चाहे वह महिला हो, पुरुष हो, बालक हो, वृद्ध हो, युवक हो, रोगी हो, निरोगी हो, कोई भी पढ़े, पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई, जो यह पढ़े। तो एक तो हर किसी को पढ़ने का अधिकार है, हर समय अधिकार है श्री हनुमान चालीसा पढ़ने का। और दूसरी बात, पढ़ने में कोई शर्त नहीं कि मन लगाकर पढ़ो, सावधानी पूर्वक पढ़ो, सवेरे सवेरे पढ़ो, पूरब की तरफ मुख करके पढ़ो, आसन लगाकर पढ़ो, उत्तर की तरफ देखकर पढ़ो। कहा कि कैसे पढ़े यह भी नहीं लिखा, कौन पढ़े यह भी नहीं लिखा, जो यह है कैसे पढ़े, बोले कहा कैसे की बात ही नहीं, पढ़े। कितनी सुविधा है, हनुमान चालीसा जो कोई भी पढ़े, केवल पढ़े, उसको सिद्धि मिल जाएगी। विश्वास नहीं होता कि बिना किसी नियम के और किसी को केवल ही हनुमान चालीसा पढ़ने से सिद्धि मिल जाएगी। श्री तुलसीदास जी महाराज, आपके वचन पर हमें विश्वास नहीं होता। तुलसीदास जी कहते हैं विश्वास करो, क्योंकि इसकी साक्षी स्वयं गौरीपति भगवान शंकर दे रहे हैं। भगवान शंकर की साक्षी करके कहता हूं कि कोई भी कैसे भी श्री हनुमान चालीसा का पाठ करे, इस ग्रंथ को पढ़े, उसे अवश्य सिद्धि की प्राप्ति होगी होगी होगी।